Hey Dezu, today is your birthday. आज एक्चुअली डेजी का बर्थडे तो नहीं है. डेजी इस घर में आई हुई आज एक साल कंप्लीट हुआ. सो हमारे लिए इसका आज बर्थडे ही है ना. डेजू टुडे इज योर बर्थडे ना बाबा. एक साल हो गया तो हमारे साथ है. इधर. गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल. सो आज है थर्सडे और आज यू नो एक साल कंप्लीट हुआ जो डेजी हमारे साथ है. बट आज कुछ स्पेशल नहीं होगा, स्पेशल होगा ऑन संडे को. सो आज एक्चुअली क्या है, थर्सडे है, मम्मा का वेज है तो मैं कुछ नॉनवेज बना नहीं सकती. कल के व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं मटन लाऊंगी, पर मैं मटन लाने गई नहीं उस साइड. उसके बाद पंकज के साथ बाहर गई, फिर भी मैं उस साइड गई नहीं जहाँ से हम मटन ला सकते थे. तो मटन आया ही नहीं घर में, तो कुछ बना ही नहीं. एंड मैंने कहा था कि कुछ स्पेशल मैं डिनर बनाने वाली हूँ जिसके लिए अलग वीडियो बनाने वाली थी, वो भी मेरा कैंसिल हो गया. बिकॉज मैं और पंकज 7 बजे इवनिंग को डिनर नहीं गएंगे, जस्ट हम लोग शोरमा खाने गए थे. और वो शोरमा यू नो प्लेट वाला, हाँ, नॉट दैट रोटी में यू नो रैप करके देते, वो नहीं, ये क्या बोलते हैं, प्लेट वाला. तो उतना ही हमने सिर्फ 2 प्लेट ऑर्डर किया अलग अलग, एक है मिक्स और एक है विदाउट वेजिटेबल, ओनली चिकन. तो वो ही हमारा मतलब खा के पेट इतना भर गया कि मेरा रात का जो डिनर, स्पेशल डिनर बनाने का जो प्लान था वो पूरी तरह कैंसिल हो गया. सो चलिए अभी मैं शुरू करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट के साथ. सो मैं बनाने वाली हूँ एक ब्रेकफास्ट जो वीडियो शेयर होगा मेरे कुकिंग चैनल पे जिसका नाम है द फूड हंट. सो वो लिंक मैं शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मैं शेयर करूँगी. सो देखिएगा ज़रूर. सो स्टार्ट करते हैं विद माई ब्रेकफास्ट पार्ट. क्या कर रहा है इधर, क्या कर रही है तू इधर? हाँ 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 क्या कर, हाथ में नहीं आएगी वो. एक गाना है ना श्रीदेवी का, किसी के हाथ ना आएगी लड़की छुप गई. अरे आ गई. सो बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही थी. अभी कैमरा क्या लेके आई, बारिश हल्का हो गया. बट कितना खूबसूरत लग रहा है यार, मैं क्या बोलूं. बड़ा मन हो रहा है कि लॉन्ग ड्राइव जाऊं, सिर्फ घूमते रहूं, गरम गरम चाय पीती रहूं. हाय, ये संडे सोचे थे पढ़ने, क्योंकि मैंने अपना क्लास कैंसिल किया था ट्यूसडे का, तो संडे को मेरा क्लास है. सो संडे को मुझे कुछ नहीं रखना, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मुझे क्लास लेना है. चलिए अभी तो किचन का काम करते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, पूरा काम खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि बर्तन धोने हैं कल के. फिर अब आज का मतलब लंच का प्रिपरेशन करना है जो कि सिंपल सा रहेगा, ज़्यादा हाई फंडा कुछ नहीं बना रही हूँ. ये मूंग है, मूंग का दाल का ये एक ग्रेवी करूँगी एंड राइस होगा. एंड मेरा बड़ा मन हो रहा है कि मैं अलग से दाल बनाऊं एंड आई वांट टू हैव इट विथ ऑमलेट. देखो अभी फिर से आके गया, जोर से हो रहा है. और ऑमलेट बनाऊं, सो ऑमलेट दाल, आह मुझे अपनी बचपन की याद आ रही है यार. आज मैं सब अपने बचपन की चीज़ें, वैसे आज मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, ये भी बचपन का है, ये दीदी का एक्चुअली रेसिपी है. सो देखना ज़रूर, इसका स्टोरी पे मैंने शेयर किया है उधर, यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ. सो चेक करना रेसिपी एंड ट्राई करना करते. बना ली है कॉफ़ी, आज मुझे इस मग में कॉफ़ी पीने का मन हुआ. अभी तक मैंने कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट किया ही नहीं है,
कुकिंग का स्टार्ट करना है। एकदम ज़बरदस्त बना है बिकॉज मुझे करवा चाहिए था, करवा बोल रही हूँ, स्ट्रांग चाहिए था स्ट्रॉन्ग को करवा बोल रही हूँ, मुझे स्ट्रांग कॉफ़ी चाहिए था। सो कॉफ़ी पीने के बाद नहीं, एक्चुअली कॉफ़ी पीते पीते मैं अभी कुकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करूँगी। सो देखते हो फ़ोन में, यार फ़ोन का ना मैं चार्ज करना ही भूल जाती हूँ। चलो जब तक कुकिंग कर रही हूँ तब तक फ़ोन को थोड़ा चार्ज कर लो, एंड आराम से बैठ के कॉफ़ी पीने का टाइम नहीं होता है सुबह का टाइम पे तो एकदम ही नहीं, क्योंकि अभी 12:30 बज चुके हैं, 1:30 बजे के अंदर मुझे कुकिंग कंप्लीट करना पड़ता है। यार डेज़ी मेरे पीछे पीछे घूम रही है। सो मुझे कुकिंग कंप्लीट करना पड़ता है क्योंकि 2 से 2:15 तक मैं लंच कर लेती हूँ और उसके बाद मैं बालकनी जाती हूँ। जैसा चाहिए था वैसा ही हुआ, परफेक्ट, बट मिल्क वाला ही है, ऐसा नहीं कि उसमें शुगर नहीं है, शुगर है क्योंकि कॉफ़ी है, विदाउट शुगर आई कांट हैव। सो डाल देती हूँ इसे चार्जिंग पे। चलिए आज आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ मूंग दाल का, तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है वो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ। सो दिखाते हुए मैं बताती हूँ, एंड ये वाला जिस दिन आप लोग वेज हो या आप लोगों को कुछ नया ट्राई करना है तो ये गोन स्टाइल में आप ट्राई करके देख सकते हो और बहुत अमेजिंग होता है, बहुत अच्छा होता है। सो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सो मिक्सर में ग्राइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक छोटा बाटी का एक बाटी मैंने यहाँ पे कोकोनट लिया है। सो ये पूरा कोकोनट डाल देना है इसमें। सो ग्राइंड करने के लिए कोकोनट तो ले चुके हैं, उसके साथ साथ मैंने 5 ग्रीन चिली लिया, जितना तीखा आपको पसंद है उस हिसाब से आप तीखा ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 ड्राई रेड चिली लिया है, और यहाँ पे लिया है ब्लैक पेपर जो कि 1 टीस्पून एंड 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है कोरिएंडर सीड। ये सब आपको पहले ग्राइंड करना है थोड़ा सा पानी ऐड करके। इज रेडी। सो ध्यान रखिएगा कि कोकोनट जो है अच्छे से यू नो फाइन, एकदम फाइनली यू नो पेस्ट हो, मुंह में ना लगे। ओके सो यहाँ पे है ऑनियन जो मैंने लिया है 2 मीडियम साइज ऑनियन, एंड यहाँ पे मैंने लिया है टमेटो 1 मीडियम साइज टमेटो। यहाँ पे मैंने मूंग दाल ऑलरेडी धो के रख दिया है, अगर आप चाहो तो आप अलग से मूंग दाल को बॉयल करके और कढ़ाई में ये जो भी इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को दिखाने वाली हूँ सारे प्रोसीजर करने के बाद, आप एंड में जैसे हम दाल बनाते हैं, हाँ तड़का करते हैं उसके बाद हम दाल ऐड करते हैं, तो उस हिसाब से भी आप इसको ऐड कर सकते हो। पर जस्ट बिकॉज मेरे पास टाइम कम है और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं पूरा प्रोसीजर प्रेशर कुकर में करूँगी और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे है क्यूमिन सीड, सो क्यूमिन सीड लिया है और हींग लिया है, जितना आपको चाहिए उतना उस हिसाब से आप ले सकते हैं, हमें हींग पसंद है इसलिए मैं थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा ली हूँ। और यहाँ पे चाहिए हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। मसाले में मैंने यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर नहीं लिया बिकॉज कोरिएंडर सीड मैंने यूज़ किया था जब मैंने पेस्ट बनाया, तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिया, टर्मरिक पाउडर ली, यहाँ पे है रेड चिली पाउडर, ये मेरे बनाए हुए गरम मसाला है, इसका रेसिपी मैं किसी दिन शेयर करूंगी, ये बाहर का गरम मसाला है, 2 तरीके का मैंने ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे है क्यूमिन पाउडर। ओके सो अभी प्रेशर कुकर गरम हो गया है तो इसलिए मैं तेल ऐड कर रही हूँ, तेल गरम हो जाने के बाद फिर धीरे धीरे जो जो चीज़ें हमें ऐड करना है हम ऐड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैंने क्यूमिन सीड डाल दिए हैं और हींग डाल दिया तेल में, एंड उसके बाद मैंने ऑनियन डाल दिए, ऑनियन को अच्छे से फ्राई करने के बाद टमेटो ऐड किया, देन जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, देन उसे अच्छे से मिक्स किया। मैंने मिक्स करने के बाद आपको ऐड करना पड़ेगा सारे मसाले जो हमने निकाल के रखे थे, तो मसाले डालने के बाद अच्छे से कुक करना पड़ेगा कि कच्चा ना रहे मसाला। सो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अभी मैंने ऐड किया है घी, घी ऐड करने के बाद फिर उसको आप मिक्स करें, एंड देन जो आपने पेस्ट बनाया था नारियल का वो ऐड करना है, अच्छे से उसे भी आपको कुक करना पड़ेगा कि नारियल का भी स्मेल ना रहे। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया मूंग दाल, फिर उसे अच्छे से मिक्स किए, एंड उसमें मैंने डाल दिए गरम पानी, गरम पानी डालने के बाद फिर आप इसको
बंद कर दो एंड दो सीटी हो जाने का इंतज़ार करो, फिर बंद कर देना, दैट्स इट। सो दो सीटी हो जाने के बाद देखिए पानी थोड़ा सा सूख गया है, थोड़ा थोड़ा है पानी। सो अभी ये ऑलरेडी पक चुका है, अभी यहाँ पे मैंने सॉल्ट डालकर थोड़ा पानी गर्म करने के लिए रखा है। जब ये पानी गर्म हो जाएगा ये पूरा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे बन रहा है हमारे लिए राइस और यहाँ पे डेजी का राइस और चिकन, थोड़ा सा हल्दी डाल के। सो पानी में ऐड कर दिया है एंड मैं थोड़ा सा इसे कुक करूँगी एंड उसके बाद इसमें लास्ट में ऐड करूँगी कोरिएंडर लीव्स। सो मैंने कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दी है एंड और जस्ट इसे दो मिनट तक मैं कुक करूँगी एंड देन क्या सर्व करो और खा जाओ राइस के साथ, बड़ा टेस्टी होता है, यू शुड ट्राई दिस। सो मैं ऑलरेडी जोकर बन चुकी हूँ रेनकोट पहन के क्योंकि बाहर जोरों से बारिश हो रही है और आज मैंने शूट नहीं किया पर खाने के साथ मतलब जो मैंने मूंग का वो ग्रेवी बनाई और राइस और उसके साथ पंकज ने किया पापड़ फ्राई, तो पापड़ फ्राई भी खाए थे एंड इट वाज अमेजिंग टेस्ट। ट्राई करके देखना और ज़रूर बताना। अभी चलते हुए बाल बोल उसका गुड्डे की तरह मिक्सर का उधर ही होगा, धोखे में उधर ही रखा है। So, पंकज मेरे लिए बना रहा है, हम दोनों के लिए बना रहा है ये क्या बोलते हैं सूपी नूडल्स एंड यहाँ पे है मेरी डेजी। आज नहीं हुआ केक कटिंग क्योंकि मैं भी आ गई घर पे, मेरा प्राइवेट क्लास था वो कंप्लीट करके आई, पंकज भी बाहर नहीं गया था तो उसके लिए केक हम नहीं ला पाए, पर आई थिंक संडे को मैं ले आऊँगी एंड संडे को हम लोग कटिंग करेंगे केक। डेजी का बर्थडे, डेजी का आज है बर्थडे, ओले बाबा ने, ओले बाबा ने, मुझे बाबा ने, अरे बाबा ने, अरे बाबा ने। डेंजर है भाई मेरा डेजी, कहाँ जा रही है, क्या कर रहे हैं बर्थडे गर्ल, पूरा मुंह एकदम चाट दिया मेरा। हाँ इसने पूरा मेरा मुंह चाटा, छी डेजू मेरा पाकू। क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो? इसकी दही वड़ा का चटनी बना रही है। अच्छा हाँ मुझे इसकी साकर भी नहीं मिला। हाँ मिला अभी उसका, तब तो बेसिन में था, मिला बेसिन में था। हाँ अच्छा अच्छा पर मिला ना, मिला था। सो दही वड़ा के लिए बन रहा है यहाँ पे चटनी। फाइनली मैंने अपने चेहरे को अच्छे से साफ किया, उसने पूरा मुंह को मतलब ये पूरा पोर्शन उसने चाट चाट के क्या हालत किया मेरा। सो आज तो उसका बर्थडे का हमने कुछ भी नहीं किया, एक्चुअली कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसके लिए नॉनवेज बना जो कि चिकन एंड राइस था, हमारे लिए वो भी नहीं बना। एक्चुअली आज मम्मा का वेज है तो मम्मा कांट हैव नॉनवेज अगर हम नॉनवेज बनाए भी तो इसलिए मैंने
सोचा है कि संडे को ही करेंगे, संडे को केक लेके आएंगे, संडे को ही उसका हम बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे एंड उसके लिए भी थोड़ा कुछ अच्छा अच्छा बनाएंगे कि डेजी इन्जॉय करे, उसका बर्थडे एकदम अच्छे तरीके से इन्जॉय करे। सो संडे का ब्लॉग थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग होगा, सिर्फ उसका बर्थडे लेके मैं करूँगी। और वैसे अभी का व्लॉग मैं इधर ही एंड कर रही हूँ बिकॉज थोड़ी देर में हम एक्चुअली निकलने वाले हैं, पर वो हमारा वी टाइम होता है। आई डोंट लाइक कि मैं शूट वगैरह करूँ, मतलब वो हम दोनों का मेमोरीज है जो अगर मैंने मतलब पिक्चर्स विक्चर्स क्लिक करते हैं पर वीडियो अगर नहीं भी बना तो भी हमारे दिल में छप जाता है। सो चलिए गाइज, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर पसंद आया तो कुछ भी तो फिर लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ये पंकज ने बनाया सूपी नूडल्स और थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते थे, सूपी नूडल्स है ना। Stay. Son. Good girl.